अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सीरीज़ मेट्रोलॉजी के पार्ट नंबर 10 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि थर्मामीटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है और मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यूज़ में काफ़ी तौर पर आते हैं और इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या चीज़ है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और ये किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आज मैं सिर्फ थर्मामीटर की टाइप्स को डिस्कस करूँगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम थर्मामीटर क्या चीज़ है। सबसे पहले तो देखें, ये मैक्सिमम जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा थर्मामीटर है जो पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहा उसको मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वैसे ही थर्मामीटर होता है जैसे बाकी तमाम थर्मामीटर्स होते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड यूज़ किया जाता है, जो एक्सपेंड होता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है टेम्परेचर गिरने की वजह से, वो लिक्विड इसके अंदर इस्तेमाल होता है, मरकरी। जी हाँ बिल्कुल, ये वही सफ़ेद कलर का मटेरियल है जो हम और आप अपने घर में थर्मामीटर के अंदर देखते हैं, अगर हमारे पास मैनुअल थर्मामीटर है, डिजिटल नहीं है तो। अच्छा जी, इसकी जो प्लेसमेंट है, इसको मेजर करने के लिए, इससे मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसकी प्लेसमेंट होना लाजमी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्यों हॉरिजॉन्टल होना चाहिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब इस डायग्राम को समझाने लगूंगा। और लास्ट ये है कि मैक्सिमम थर्मामीटर के लिए एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जो कि है कंस्ट्रिक्शन पॉइंट। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर की। सपोज ये आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वे में रखने की वजह ये है कि अगर इसको हम वर्टिकली स्ट्रेट रखेंगे तो जो मरकरी एक्सपेंड होने के लिए ऊपर जाने लगेगा उस पर ग्रेविटी इफेक्ट करेगी और वो सही तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, सही टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगा। डेट्स वाई इसको हमेशा हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं ताकि इस पर ग्रेविटी का असर कम से कम हो। अब होता ये है कि इस थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी होती है उससे भी बहुत बारीक सी एक नाली टाइप बनाई जाती है जिसको हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट कहते हैं। उसमें से कोई भी चीज़ पास नहीं हो पाती तब तक कि उसके पीछे से कोई उसको फोर्स ना लगाई जाए। सपोज़ करें यहाँ पर वो बारीक सी चीज़ है, यहाँ पर मरकरी पड़ा है इस सेल के अंदर, ये नज़र आ रहा है आपको वाइट ये मरकरी है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये एक्सपेंड जैसे ही होगी तो इसको एक फोर्स लगेगी, पीछे से धक्का देगी जो उसको उस कंस्ट्रक्शन पॉइंट में से बाहर निकाल देगी। जैसे ही उस कंस्ट्रक्शन पॉइंट में से बाहर निकल जाएगी तो होगा ये कि जब टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरने की वजह से वो जो एक्सपेंडिंग फोर्स थी वो कम हो जाती है। एक्सपेंडिंग फोर्स कम होने की वजह से जो मरकरी होता है वो अब जब वापस जाने लगता है तो उसके पीछे से कोई फोर्स नहीं लगती एक्स्ट्रा जो उसको वापस धकेले। डेट्स वाई एक्सपेंड होने की वजह से जो फोर्स लेकर उसको आगे तक बढ़ा दिया था, अब टेम्परेचर गिरने की वजह से वो वापस नहीं जा सकी क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, एक्सपेंडिंग कोई फोर्स नहीं थी। डेट्स वाई वो मरकरी वहीं पर रुक जाता है जिस जगह तक वो पहुँच पाता है। और इस तरह से जो ऑब्जर्वर होता है वो एक सुबह 8 बजे या फिर जो भी टाइम मेजरमेंट की होती है उस टाइम को वो उस मैक्सिमम को मेजर कर लेता है। बात करते हैं मिनिमम थर्मामीटर की। तो मिनिमम, नाम मिनिमम है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पूरे दिन में कम से कम कितना दर्जा हरारत रहा इसको देखने के लिए मिनिमम थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो लिक्विड यूज़ होता है वो होता है अल्कोहल। इसमें मरकरी नहीं बल्कि अल्कोहल। अब अल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, इसमें वो इस्तेमाल होता है। प्लेसमेंट इसकी भी हॉरिजॉन्टल है और स्पेशल टेक्निक जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है मिनिमम थर्मामीटर के अंदर वो है डंबेल। अब ये डंबेल क्या चीज़ है, आप देख रहे हैं ये एक थर्मामीटर है, बहुत ही क्लोज इसकी इमेज है और इसके अंदर ये जो ब्लैक सी चीज़ है इसको हम डंबेल कहते हैं। डंबेल शेप का होता है ये। होता ये है कि अल्कोहल का जो सरफेस टेंशन होती है वो इसको अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती और अपने साथ साथ रखती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कम सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ने के साथ साथ ये डंबेल भी उसकी सरफेस टेंशन की वजह से साथ साथ नीचे जाता रहता है। सपोज़ करें ये डंबेल यहाँ मौजूद था और जब इस पर कॉन्ट्रैक्शन लगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये अल्कोहल के साथ साथ यहाँ आ गया। मिनिमम टेम्परेचर हमारा ये 17 और 18 के दरमियान कम से कम यहाँ तक रहा और उसके बाद फिर टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगा। अब टेम्परेचर जब दोबारा बढ़ने लगा तो लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होकर आगे जाता रहा जबकि डंबेल अपनी जगह पर मौजूद रहा। इस डंबेल की जो आगे वाली लाइन थी, आगे वाला जो फेस है वो हमारा मिनिमम रिकॉर्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेता है और इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढ पाते हैं। इन दोनों की प्लेसमेंट आप हमेशा याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल होती है, मैक्सिमम के अंदर मरकरी इस्तेमाल होता है जबकि मिनिमम के अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम के अंदर जो स्पेशल टेक्निक है वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जबकि मिनिमम के अंदर जो स्पेशल टेक्निक है वो डंबेल का इस्तेमाल है। इसके बाद बारी आती है ड्राई एंड वेट बल्ब की। ये सिंपल थर्मामीटर होते हैं, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कोई लेना देना नहीं होता। ये लाइव आपको आपको जो है वो टेम्परेचर बता रहे होते हैं, इस वक्त कितना टेम्परेचर है। लेकिन इसको
ख़ास तौर पे ड्राई और वेट बल्ब बनाया जाता है ताकि इससे हम कोई एक ख़ास किस्म की चीज़ मेजर कर सकें जिसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि लेट सपोज़ इस वक्त हवा में पानी को जज्ब करने की जितनी तवानाई मौजूद है, जितनी काबिलियत, जितनी सॉल्युबिलिटी है, जितनी एबिलिटी है, उससे कितना परसेंट पानी इस वक्त मौजूद है। लेट सपोज़ पानी के अभी इस वक्त जो हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो 10 ग्राम पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन मौजूद 5 ग्राम है। तो 10 ग्राम को अगर 5 ग्राम से कंपैरिजन की जाए तो 50% इस वक्त जो है पानी मौजूद है जबकि 50% मौजूद नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इस वक्त हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब की मदद से हम क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखें ये काम कैसे करते हैं। ड्राई बल्ब सपोज़ करें ये हमारे पास एक थर्मामीटर है, इसका बल्ब ड्राई है मतलब इसको किसी जगह कहीं पानी वगैरह में नहीं रखा हुआ। हवा जब चलती है तो डायरेक्ट इसके ऊपर आकर लगती है, हवा डायरेक्ट इसके ऊपर आकर लगती है और लगने पर क्या करती है, इसका टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, अच्छा बनिस्बत इसके जब वेट बल्ब की बात करें तो वेट बल्ब के ऊपर जो है कुछ गीला कपड़ा या गीली कॉटन वगैरह रख दी जाती है। जब हवा आती है इस बल्ब पर लगने से पहले वो किससे टकराती है, पानी से टकराती है, और पानी जो है वो इसको हवा जो है पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। पानी जज्ब होने की वजह से जितनी हवा पानी पे लगती है वो पानी जज्ब होने की वजह से हवा की जो गर्मी है, हवा की जो हीट है वो कम हो जाती है और उसके बाद वेट बल्ब को वो बढ़ाना शुरू करती है। यानी कि 50% हवा जो है वो पानी की वजह से उसकी हीट कम हो गई और 50% वो उसने वेट बल्ब को दे दी। अब जो वेट बल्ब का टेम्परेचर बढ़ा वो गया 10 तक, जबकि ड्राई बल्ब का जो टेम्परेचर डायरेक्ट हवा लगने से गया था वो गया था 20 तक। अगर हम देखें तो 20 और 10 इसमें पूरे 50% का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि जब हमने पानी रखा तो हवा का 50% हीट जो है वो किस में चेंज हो गई, एवोपरेशन में चेंज हो गई, और 50% जो है वो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर में आ गई। इसका मतलब इस वक्त हवा में जो है 50% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मौजूद है, 50% मौजूद है। अगर यहाँ 10 की जगह 15 होता तो हम कहते हैं कि जनाब यहाँ 25% जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, मिनिमम थर्मामीटर, मैक्सिमम थर्मामीटर, इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। आपकी दुआओं का और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।